नमस्कार साथियों, हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी नेताओं के साथ साथ जो पार्टियां हैं और जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, वो एक कयास लगाने में जुटे हैं वोटर्स के साथ। ये तालमेल बैठाने में लगे हैं कि इस बार कौन सी विधानसभा पे हरियाणा में किस पार्टी की तरफ से किस कैंडिडेट को टिकट मिल सकता है, या फिर कौन सा ऐसा जुझारू यहाँ से नेता है जो अब की बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव में नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। ऐसी एक विधानसभा तोसाम है जहां पर अब की बार बड़ा खेल देखा गया, जहां पर कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। और उसके बाद यहां पर जो बीजेपी के बड़े चेहरे जो यहाँ से टिकटों का इंतजार कर रहे थे, उनके खेमे में कहीं न कहीं उदासीनता जो थी वो देखी जा रही है। और वहीं कांग्रेस के जो अन्य नेता थे या फिर जो यहाँ से क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, उनके लिए कहीं न कहीं एक तरह से यहाँ पर खुशी की लहर थी, खुशी का माहौल था, और वो शायद बना भी हुआ है ऐसा। इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं हरियाणा में 10 साल की जो बीजेपी का शासन रहा है उसके खिलाफ हल्की एंटी इनकम्बेंसी है, जिसके चलते नेताओं को भी ये लग रहा है कि अब की बार यहाँ पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है। और किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ भी आई लोगों की कि कांग्रेस में ही वो सही थी, बीजेपी के खिलाफ तो लोग वैसे ही कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इलाका पड़ता है तो असम विधानसभा का, ये किसान बहुल्य इलाका है, यहाँ पर युवाओं की बड़ी भरमार है जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर चौधरी धर्मवीर सिंह जो बीजेपी के वर्तमान सांसद हैं, उनकी भी अच्छी खासी पकड़ है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं भी आम रहती हैं कि चौधरी धर्मवीर जी की पकड़ के साथ साथ यहाँ पर किरण चौधरी अपने वोटर्स को साथ लेकर साधने की कोशिश करती है, और जिसके कारण वो जीत जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखने वाली है, किरण चौधरी के जो वोटर्स हैं वो चौधरी बंसी लाल की जो सोच थी उससे प्रभावित हैं, जो उनका एक तरह से अनुसरण करते हैं यहाँ के लोग, उसके कारण किरण चौधरी को हमेशा वोटों की भरमार मिली है। लेकिन उनके बीजेपी में जाने से यहाँ पर जो दो बड़े नेता हैं बीजेपी के जो क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मुकेश गोड़ और साथ ही यहाँ पर शशि रंजन परमार जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके खेमे में कहीं ना कहीं चिंता है इस बात को लेकर कि अगर किरण चौधरी या फिर श्रुति चौधरी को यहाँ से बीजेपी की तरफ अगर टिकट दिया जाता है तो उनकी जो मेहनत है इतने सालों की यहाँ पर क्षेत्र में लोगों से मिलने जुलने की, वो उस चीज से कैसे यहाँ पर मतलब कि तालमेल बैठा पाएंगे। क्योंकि उन लोगों की लगातार कोशिश रही है कि बीजेपी उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दे यहाँ तोसाम विधानसभा से चुनाव लड़ने की। साथ ही यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए ये भी है कि पिछले काफी सालों में यहाँ पर देखने को मिला कि जो गुटबाजी कभी कांग्रेस के अंदर हुआ करती वो धीरे धीरे बीजेपी के अंदर भी आने लगी है। क्योंकि ऐसा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला जहाँ पर नेता, जो बड़े बड़े नेता और जो लोकसभा प्रत्याशी थे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए कि यहाँ पर उन लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की या फिर जो भीतरघात था वो उनके साथ किया। यहाँ पर अगर हम अन्य चेहरों की बात करें, यहाँ पर किरण चौधरी और शशि रंजन परमार के साथ मुकेश गोड़ को छोड़कर, तो कांग्रेस के खेमे में या फिर निर्दलीय कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो अभी किसी पार्टी को समर्थित नहीं है। और यहाँ पर बात जो हो रहे थे कि यहाँ पर कि कुछ बड़ा बदलाव हो, यहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आए जिसके बाद वो यहाँ से चुनाव लड़ सके, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है चौधरी अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध चौधरी हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जो लोक पुरुष माने जाते हैं हरियाणा के, उनके पौत्र हैं और उनके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है फिलहाल यहाँ पर तोसाम विधानसभा से चुनाव लड़ने के। और वो कांग्रेस में हुड्डा पक्ष के वो सबसे नज़दीकी इंसान है फिलहाल। हालांकि उनके पिताजी चौधरी रणबीर महेंद्रा 3 बार बाड़ा से चुनाव हार चुके हैं, और इस बार वो अपनी किस्मत जो है चौधरी अनिरुद्ध वो तोसाम से आजमाने जा रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग यहाँ पर चौधरी बंसीलाल की जो विचारधारा थी उसको फॉलो करते हैं। इससे पहले वहां के लोग किरण चौधरी को वोट डालते थे, और अब अगर यहाँ से अनिरुद्ध चौधरी खड़े होते हैं चुनाव में, तो सबसे बड़ी इस देखने वाली चीज ये होगी कि लोग अनिरुद्ध चौधरी के साथ जाते हैं या फिर किरण चौधरी के साथ लगातार बने रहते हैं। वही यहाँ पर अगर हम बात करें अन्य नेता की जो राजनीतिक परिवार से ही, राजनीतिक बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, वो है कमल प्रधान। वो छात्र राजनीति से उठकर यहाँ पर अब की बार किस्मत आजमा सकते हैं। अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए होगी, और किरण चौधरी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो यहाँ पर ग्राउंड पर काम कर चुके हैं, लोगों से हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। कमल प्रधान के लिए सबसे बड़ी ताकत की चीज ये है कि वो छात्र राजनीति के चलते यहाँ पर लोगों में लोकप्रिय हैं, और एक राजनीतिक बैकग्राउंड से वो खुद आते हैं जिसके कारण यहाँ पर लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। साथ ही वो 24/7 लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध भी रहते हैं। यहाँ पर एक अन्य बड़े चेहरे हैं जो चौधरी धर्मवीर जी के भाई हैं राजवीर लाला, उनकी भी यहाँ पर एक अच्छी खासी वोट बैंक है, और 2014 के चुनाव में उन्होंने जो अपना एक तरह से
चुनावी जो पलड़ा था वो उनका काफी भारी था नजर आया था यहाँ पर, जिसके कारण एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे कि यहाँ पर राजवीर लाला फिर से यहाँ पर दाव ठोक सकते हैं, दाव खेल सकते हैं अपने चुनाव को लेकर। यही कुछ सबसे बड़े चेहरे हैं तो आसाम विधानसभा में, जिनको लेकर बार बार चर्चा की जा रही है कि यहाँ पर इन चेहरों ने हल्की सी बगावत किरण चौधरी के खिलाफ करके यहाँ पर अगर टिकट की दावेदारी पेश की तो बीजेपी के ही अंदरूनी खेमे में यहाँ पर टकराव बढ़ सकता है। साथ ही यहाँ पर जो अन्य नेता हैं इनमें से कांग्रेस को देखने वाली चीज ये होगी, कांग्रेस यहाँ पर किस ऐसे नेता पर यहाँ पर दाव लगाए जो भली भांति यहाँ के इलाके से क्षेत्र से परिचित हो और यहाँ के लोग उसे अच्छे से जानते हों। साथ ही यहाँ पर वो किसी बड़ी विचारधारा से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो हरियाणा में हल्की एंटी इनकमेंसी है बीजेपी को लेकर किसान बहुल इलाका होने के कारण, तो यहाँ पर ये चीज भी देखने लायक होगी कि इन सब चीजों को बीजेपी और कांग्रेस मिलकर किस तरह से साधती हैं, या फिर अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे जेजेपी या फिर इनेलो, वो इस बार यहाँ पर क्या कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। हालांकि इसके जो अनुमान है वो बहुत ही कम है कि यहाँ पर जेजेपी या फिर आईएनएलडी की तरफ से कोई बड़ा कैंडिडेट यहाँ पर नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही पार्टियों का इस इलाके में जन आधार कहीं ना कहीं बहुत कम है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। तो यहाँ पर जो साफ साफ टक्कर देखी जाएगी चुनाव में वो सिर्फ एक ही आधार पर होगी, और वो आधार होगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का। और अगर किरण चौधरी या फिर श्रुति चौधरी को यहाँ पर टिकट दिया जाता है तो उनके मुकाबले दूसरी पार्टी यहाँ से किस कैंडिडेट को खड़ा करती है, यहाँ पर ये देखना बड़ा रोचक होगा। हालांकि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि तोसाम विधानसभा से किरण चौधरी को ऐसा कौन सा नेता है यहाँ से जो कड़ी टक्कर दे सकता है और चुनाव में बाजी मार सकता है। धन्यवाद।